क्या है? अरे सामने अलर्ट करते हैं इनको वाइल्ड लाइफ से। ये देखिए सामड़ियर वहाँ भाग गया। क्यों? पीछे कुछ हिरन चढ़ते हुए, बहुत सुंदर नज़ारा। हाथी थोड़ा दूर की ओर है, ये हिरन पास में, अंदर चले जाएंगे तो उससे पहले इनकी वीडियो बनाई जाए। देखिए मज़े से अपना खाने में लगा है। इक्कड़ हाथी है इस बाकी। जी हाँ, दूर दूर तक मुझे और कोई हाथी नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये अकेला हाथी है। रिलैक्स होकर ये खा रहा है, रिलैक्स होकर। देख सकते हैं इसकी माउथ की मूवमेंट देखें आप, और बीच में फेंसिंग भी है। दोस्तों इसके एक नहीं दो टस्क हैं, बहुत ही ज़्यादा जायंट ये टस्कर है। मैं थोड़ा गलत था, मुझे एक दांत दिखा था। इसके टस्क देखें आप। ओहो, मस्त होकर खा रहा है ये। बिल्कुल मिट्टी डाल रखी है इसने अपनी पीठ के ऊपर अपने आप को ठंडक देने के लिए, और ये आराम से खाने में लगा। अब काफ़ी बड़े दांत हैं, जियांट है ये, जियांट टस्कर, और गारंटेड 30+ एज का है ये। ग्रुप लीडर है लेकिन अभी अकेला है। वाह, अब बफर जोन में मतलब आपको ऐसे मिल जाए वाइल्ड लाइफ देखने को, क्या ही बात है। हम हैं अपना रोड पर और दोनों तरफ है जंगल, ज़बरदस्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। उसने भी पीट कर लिया, आगे की ओर जा रहा है। इसको यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा, छोड़े वापसी मिलेगा हमें यहीं पक्का। ये अंदर की ओर चला जाएगा नदी की ओर, ये यहीं पर रहेगा। हम जा रहे हैं अपना क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट की ओर। तो आप देख सकते हैं ये टाइगर टेरिटरी में पैदल उतर चुके हैं हाथी की वीडियो बनाने के लिए। इनको मना करते हैं, है ना, तो अलर्ट करते हैं इनको वाइल्ड लाइफ से। यहाँ इन सर को हमने बताया कि टाइगर आता है तब ये उतरे। वो खड़ा है दूर हाथी, और आप निकलते हैं यहाँ से, ये वापसी में मिलेगा दोबारा। और आप देख रहे हैं हमने इन लोगों को भी बोला था कि अपना गाड़ी में चले जाएं, ये भी नहीं गए और जो थे वो भी नहीं गए। मतलब अलर्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, हम अपना करते हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बाकी दूसरा जाने ना जाने कोई दिक्कत नहीं है उसे। और यहाँ पर जो है बारिश नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है। देख रहे हैं आप यहाँ पर धूप निकल आई है, और ये क्या पता लक में था छोटे अपने ये। हाँ, यहाँ देखें आप घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, सब टाइगर टेरिटरी है सॉलिड, और वो लोग वहाँ पैदल उतरे हुए हैं। लेकिन अब किसको क्या समझा सकते हैं, है ना, हाथ पकड़ के तो नहीं ले आ सकते कहीं। सिर्फ बोल सकते हैं हम, दूसरा सुन ले तो अच्छी बात है। एक को बोला हमने, वो चले गए थे अंदर, क्यों, कार से उतरे। मैंने कहा सर आपको उतरनी जरूरत नहीं है, कार में बैठ के भी देख सकते हो आप। बाकी देखते हैं अब आगे क्या वाइल्ड लाइफ मिलने वाली है। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, हाथी मिले थे, क्रोकोडाइल नहीं मिला था। आज देखते हैं क्या होता है ना। हाँ, मौसम यहाँ खुला हुआ है, बादल हैं लेकिन बारिश नहीं है, धूप भी है साथ में ऐसे है। पिछली बार हमें जस्ट पीछे नदी की ओर मिले थे हाथी, इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, फिलहाल धनगड़ी भी ज़्यादा नहीं आई है क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। बारिश पीछे मिली थी हमें, वहाँ पे देखी बहता पानी, बहुत सुंदर। तो अभी हम पहुँच गए सॉलिड टेरिटरी में टाइगर की। अरे सांबर डियर है, तभी जिप्सी वहाँ रुकी हुई है। क्या शांति है, वाह क्या सीन लग रहे हैं इसके। एंटलर्स देखो ना कितने खूबसूरत हैं। ये मेल सामर डियर है। ये देखिए सामर डियर वहाँ भाग गया, क्यों, क्योंकि तीन बाइक वालों ने उसके बगल में गाड़ी लगा दी। कमाल है यार, और शोर कर रहे हैं, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना होता ऐसे। क्या खूबसूरती यार देखें आप,
मज़ा आ गया। बहुत ही प्यारे चमक रहे हैं इसके जो एंटलर्स हैं ना, निकल रहे हैं धीरे धीरे। ये हर साल अपने सींगों को झाड़ लेते हैं। देखो लोगों ने सांवर डियर को भगा दिया, वो गया अंदर दौड़ता हुआ, कमाल है उसके। पता मैं उसे बोल के आया हूँ कि मत उतरो, वो घास की ओर जा रहे हैं उसकी तरफ। भाई कमाल के लोग थे, पहले एक तो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करा, ऊपर से ऊपर को चढ़ गए पता है। मैंने बोला भी उन्हें टाइगर का इलाका भाई, तीन और सांवर कैसा भागा वो तो भाई। भाग मेरे हाथ में कैमरा था, गोप्रो होता ना, भागते हुए दिखाता मैं तुम्हें कितना तेज़ भागता हुआ गया। बिल्कुल डरेगा यार उसके पास जाओगे तुम तो दो सांवर डियर मेल फीमेल दोनों थे, मेल भागता हुआ गया। ज़बरदस्त ये व्यू था जो मैं कैप्चर कर नहीं पाया क्योंकि मैं आगे को आ गया था, उन्होंने भगा दिया था। कोई बात नहीं, अब आगे का सोचते हैं, देखते हैं यहाँ जीरो पॉइंट पर क्या मिलता है। पिछली बार तो रुके थे तब दिखा था हमें हाथी कोई बहुत दूर, इस बार थोड़ा पास मिल गया, पास ही तो था बहुत, इसको पास ही कहेंगे। वाइल्ड लाइफ को एक्सेप्ट ये थोड़ी करोगे कि मतलब एक्सपेक्ट मतलब कि बिल्कुल ही बगल में मिल जाए, वो गलत होगा। ज़्यादा पास तो और ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो ये नज़ारा देखिए बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है वाइल्ड लाइफ। चारों तरफ हरा भरा जंगल हो रहा है ज़बरदस्त। बारिश हुई नहीं है भाई यहाँ पे, लेकिन ये फ़ायदा हो गया कि जहाँ पीछे जो थी बारिश ना वहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं दिखी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ घूम रही थी, जिसमें हमें स्पॉटेड डियर बहुत अच्छे नज़दीक से मिले। जब पता है वाइल्ड लाइफ घूम रही थी क्योंकि यहाँ बारिश नहीं थी। बिल्कुल बारिश होती तो ये चले जाते अंदर, अंदर चले जाते हैं दिखते ही नहीं। अभी रेनकोट भी पहने हुए हम गाड़ी पर हैं तो हवा लग रही है भाई, यहाँ तो बूंदी नहीं पड़ी एक भी, क्या पता पड़ गया। हाँ यहाँ धूल उड़ रही है और इतफाक से ऐसा हो रहा है जब हम यहाँ नहीं आ रहे हैं ना तब यहाँ इस वाले नाले में पानी आ रहा है पता है। अभी अब ये नहीं पता कि वीडियो कौन सी है, वो वायरल हुई है एक जिसमें ये जो सामने से मैक्स गाड़ी आ रही है इसमें की ही गाड़ी इसी नाले में पलटी हुई थी पता है, ये तार के पास नाला भी ऊबड़ खाबड़ हो गया एक। हल्का करो तेज़ है यार, आज तेज़ है पानी इसमें। अरे देखते हैं निकल कहाँ से, देखते हैं कहाँ से निकलना है हमें, और बस देखिए कहाँ से निकलेगी। पानी है इसमें तेज़, बरसाती मतलब वो है ना खूबसूरत जगह लग रही है उनको देखने में, तो वही ना जंगल और पानी और जो नेचर है अट्रैक्ट करता है। लेकिन पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर घूम रहे हैं आप, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर का गढ़ है, गढ़ वो भाई लंगूर पॉज करा बहुत जबरदस्त तरीके से, बच्चे के साथ था ये गया, फीमेल थी वो बच्चे के साथ। यहाँ के हाथी आए हैं टहनियाँ काफ़ी नज़र आ रही है, पानी देखे हैं अच्छी खासी मात्रा में आ रहा है। और अब बस यही कन्फ्यूजन हो रहा बार बार कि मीडियम मोड लगाएं कि नहीं लगाएं। खुली जगह ओए होए क्या नज़ारा है यार, ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर लग रहा है पानी यहाँ से जाता हुआ। बाप रे बच्चों को देखें आप, स्कूल जो है ऐसी खतरनाक टेरिटरी से होकर जाते हैं। क्या लग रहा है, गाड़ी भी आ रही है, नज़ारा कितना प्यारा है। कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, अच्छा खासा तेज़ पानी आया है जो अभी हमारा गैप हुआ है। एक और क्रॉसिंग, ओहो क्या धूप निकली है, वाओ ब्यूटीफुल क्या सुंदर नज़ारा है देखें आप। ओहो वाओ छोटे छोटे बच्चे लंगूर के, फ्रेम देखें आप कितना प्यारा, और ये आम के पेड़ पर खेलने में लगे हैं। बच्चा देखो कितना क्यूट लग रहा खड़ा हुआ है, कि रोकी भी नहीं थी गाड़ी, ये कितना खेलने में लगाया। देखिए यही गलती होती है हम इंसानों की, बिल्कुल बगल में लगा देते हैं गाड़ी। अब ये लंगूर है वो कार के अंदर है तब ठीक है, हो गया। ये बच्चा बार बार माँ की गोद से उतर जा रहा है, ये देखें
बाहर। तो दोस्तों रास्ते में मिले हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर एजाज खान सर, तो उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और हमारी आवाज़ की तारीफ़ करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उन्होंने कहा कि आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे रास्ते में राह चलते हमारे सब्सक्राइबर मिल जाए, तो और क्या चाहिए, यही प्यार होता है जो मिलता है आप लोगों से। तो फाइनली पहुंच गए हम अपना मरचूला, और ये ज़बरदस्त बैंड पीछे बोर्ड जो है टेढ़ा कर दिया किसी ने लग रहा है। वाह, झरना भी अच्छा गिर रहा है, झरने का व्यू यहाँ से अच्छा। क्या है? अरे सामने मॉनिटर लिजर्ड है भाई, हिलाओ मत, पाइप मत हिलाओ। हम सोच रहे कि लकड़ी तो नहीं लग रही है। बाप रे, राम गंगा रिवर में मॉनिटर लिजर्ड है ये जो तैरती हुई नज़र आ रही है फर्स्ट टाइम। ओ हो, ये भी अपने आप में एक यूनिक साइटिंग हो गई। अच्छा, इसमें मगरमच्छ आ गया तो उसको खा लेगा? बिल्कुल खा सकता है, क्यों नहीं। मैं वही सोच रहा हूँ, देर लगा दी हमने, काफ़ी देर से तैरता हुआ देख रहा हूँ, मुझे लगा लकड़ी है। जब बहुत ज़्यादा जूम करके देखा मॉनिटर लिजर्ड है, कितना मज़े में तैर रही है। वाओ वाओ वाओ, ये गई वो पानी के साथ साथ। ओहो हो, क्या शॉट है, ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, बहुत स्पीड है यार। ये देखिए कितना प्रेम से रहते हैं ये पक्षी, हैं मासूम हैं, बहुत ही खूबसूरत, शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक कबूतर। अभी जूम कर रखा ना हमने, वाह हा हा हा, सुंदर। चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम तो देख रहे थे, इनसे अब हटा लेते हैं अपनी निगाह। वो खेल रहे हैं।